सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ लेसन नंबर 4, क्लास 6। ये हनी सकल का चैप्टर है। जिसके पास बुक्स नहीं है तो वो ये वीडियो के थ्रू भी लेसन को रीड कर सकते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले, इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड द US स्पेस शटल कोलम्बिया, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बॉर्न इन इंडिया टू गो इन टू स्पेस। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलम्बिया एंडेड इन ट्रेजेडी। 1997 में भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक कल्पना चावला ने इंटरनेशनल क्रू के साथ स्पेस शटल कोलम्बिया में हिस्सा लिया। ये पहली इंडिया की औरत थी जिसने अंतरिक्ष में जिसने उड़ान भरनी थी। दुख की बात यह कि जो ये दूसरा मिशन था कोलम्बिया का, ये एक दुखद अंत के साथ ख़त्म हुआ। एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक औरत जिसने स्पेस में, अंतरिक्ष में उड़ान भरी, कल्पना चावला। ठीक है, अब स्पेस शटल वो चीज़ होती है, स्पेस का होता है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो। जब रॉकेट होता है उसको तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो स्पेस शटल होता है वो ट्रैवलिंग करने के लिए होता है, अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए होता है। वहाँ पर जाके ये लोग यात्रा करते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद ये वापस आते हैं। रॉकेट को तो हम छोड़ देते हैं लेकिन स्पेस शटल को छोड़ा नहीं जाता, ये ट्रैवलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको बताया गया है डिक्शनरी में, आप इनका इस्तेमाल वर्ड्स को देख सकते हो, जैसे नेचुरलाइज US सिटीजन मतलब नागरिक बनना, नागरिक बनाना, नेचुरलाइज मतलब पैदा तो इंडिया में हुई लेकिन बाद में इसने US की नागरिकता ले ली। ओके, नोटिस द स्पेलिंग। अच्छा, जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें एयरप्लेन, प्रोग्राम, ये इस प्रकार से बोला जाता है, तो इसमें कहा है भी आप ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कैसे बोला जाता है, इसको आप इसमें डिक्शनरी में वो कीजिए। लिफ्ट ऑफ मतलब इसमें टेक ऑफ नहीं होता, लिफ्ट ऑफ का मतलब, तो आपको इसमें अलग मीनिंग जो है लिफ्ट ऑफ का, उठाना, जो अलग अलग से जो मीनिंग है, उड़ान भरना, लिफ्ट ऑफ मतलब उड़ान भरना होता है एक तरह से मेरे ख्याल से, तो वो होता है फ्रंटियर होता है, सरहद पार करना, अंतरिक्ष की सरहदें पार करना, अब्रॉड बाहर, स्पेस, अंतरिक्ष, क्रू, जो क्रू मतलब जो जो अपने साथ जाते हैं स्पेस शटल या कोई भी ग्रुप में, जैसे एरोप्लेन में जो पूरा ग्रुप जाता है उसको क्रू मेंबर्स कहते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके तो उसको कहते हैं, तो इनकी आप हिंदी मीनिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो डिक्शनरी में से। अब एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये जो क्या बोलते हैं US स्पेस शटल कोलम्बिया था, ये टूट के टुकड़ों में टूट के आग लग के बिखर गया था। ये 16 दिन के लिए अंतरिक्ष में था, इसने काफ़ी वहाँ पे रिसर्च की, ये 2000 फीट की ऊंचाई पे था और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये नीचे आ रहा था। तो इसमें बताया गया है कि ये मतलब 16 जनवरी 2003 को ये स्पेस शटल स्पेस में गया था और जब वापसी आ रहा था तो 1 फरवरी 2003 में ये वापसी आते समय ब्लास्ट हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये है कि जैसे इसने उड़ान भरी थी, जब इसने उड़ान भरी थी तभी इसके अंदर एक होल हो गया था, जब इसने वहाँ से स्पेस शटल से उड़ान भरी थी। तो इसके कई कारण थे, कई रिपोर्ट्स में कई कारण थे, बस तो ये है कि इसमें 7 जने थे कल्पना चावला को मिला के, तो इन सबका मतलब टुकड़ों मतलब इनकी लाशें तक नहीं मिली थी, ये हवा में ही नीचे आते वक्त ये इन्होंने वहाँ पर 80 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो काफ़ी दुख की बात थी भाई, कोलम्बिया स्पेस शटल मतलब नीचे आने से पहले ही टुकड़ों में वो हो गया। अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी, मैं पढ़ती जाती हूँ, आप समझिएगा चैप्टर को, समझने की कोशिश कीजिएगा। कल्पना चावला सेड डेट शी नेवर ड्रीम्ड एज ए चाइल्ड इन करनाल डेट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस। कल्पना चावला कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि करनाल जैसे गाँव में रहने के बावजूद मैं अंतरिक्ष की सरहदें पार कर जाऊंगी। इट वॉज इनफ डेट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएट फ्रॉम टैगोर स्कूल। वो कहती है मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने का मौका दिया जब मैंने अपनी स्कूलिंग ग्रेजुएशन टैगोर स्कूल से ख़त्म की। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस BSc की स्टूडेंट होने के बाद, आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग, उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मतलब स्पेस के बारे में पढ़ाई पढ़ी थी। अगेंस्ट ग्रेट ऑप्शन फ्रॉम
ओपोजिशंस फ्रॉम हर फादर शी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हालांकि उसके पापा ने उन्होंने मना किया जाने के लिए, लेकिन उनको अपोज करके उसने मास्टर की डिग्री लेने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चली गई। फिर वहाँ से उसने पीएचडी की एयर स्पेस इंजीनियरिंग में। शी लेटर अर्न्ड हर पीएचडी इन एयर स्पेस इंजीनियरिंग। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वूमन अमेरिकन वूमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम दी लॉन्च पैड एट केप कैनवर फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेटेड इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला इंडिया की पहली ऐसी वूमन थी जिन्होंने मतलब ब्लास्ट ऑफ कर दिया था केप कैनवर फ्लोरिडा में और स्पेस मतलब पार्टिसिपेट किया था स्पेस मिशन में सक्सेसफुली। इसके लिए उसकी फैमिली ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी वहाँ से किया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद द स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलम्बिया लिफ्ट ऑफ। जैसे ही कोलम्बिया मतलब कोलम्बिया ने उड़ान भरी, उसकी फैमिली और उसने जो स्पेस सेंटर के थे कैनेडी स्पेस सेंटर में सब जो देख रहे थे सब ने उनको मतलब यानी चीयर अप किया जब वो लोग जा रहे थे। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। कल्पना चावला जो थी वो करनाल में पैदा हुई हरियाणा के एक छोटे से गांव में, लेकिन वो मतलब बाद में पूरी तरह से वो यूएस नागरिक ही बन गई। तो नेचुरलाइज यूएस सिटीजन मतलब नागरिक बनाना, उनको यूएसए ने अपना नागरिक बना लिया। अच्छा, उसने क्या किया जो यूएसए का नेचुरलाइज यूएस सिटीजन जो वहाँ का नागरिक था, वहाँ का नागरिक जो होता है उसको नेचुरलाइज यूएस सिटीजन कहते हैं। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वहाँ पर वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था जीन पेरे हैरिसन, उसके साथ उसने बाद में शादी कर ली वहीं पे जहाँ पे वो पढ़ाई कर रही थी वहीं पे। बाद में पढ़ाई के बाद उसने उसके साथ शादी की। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर। हालांकि वो एस्ट्रोनॉट थी लेकिन उसको लाइसेंस मिला था वो सिंगल प्लेन उड़ा सकती है या एयरप्लेन चला सकती है, जो मल्टी इंजन लैंडेड एयरप्लेन होते हैं वो चला सकती है, सिंगल इंजन सी प्लेन होते हैं ग्लाइडर्स होते हैं उनको ये चला सकती है। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उसके अलावा वो एक मतलब सर्टिफिकेट उसको वो मिली हुई थी कि वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी, कैसे चलाना है कैसे करना है। तो ओवरऑल अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें आपको कल्पना चावला के बारे में बताया गया है कि उसने अपनी डिग्री प्राप्त की, उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ किया, वो आगे उसने बैचलर की हासिल करने के बाद वो बाहर गई, वहाँ पर उसने पीएचडी की। उसके पीएचडी करने के बाद उसने वहाँ पे एक स्पेस शटल में प्रोग्राम में भाग लिया, उसके बाद कैनेडी स्पेस शटल, और उसके पेरेंट्स ने घर से ही उसे बहुत चीयर अप किया जब उसने फ्लाइट को वो किया। उसके बाद करनाल में पैदा होने वाली हरियाणा की ये लड़की एक वहाँ की नागरिक यूएस सिटीजन मिल गया इसको, वहाँ की नागरिक बन गई है। बाद में उसने वहाँ के ही एक जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जीन पेरे हैरिसन उनके साथ शादी कर ली। हालांकि एस्ट्रोनॉट थी लेकिन इसे लाइसेंस मिला हुआ था कि ये ग्लाइडर एयरप्लेन सिंगल इंजन सी प्लेन ये सब चला सकती थी, और वो सर्टिफाइड मतलब एक कहते हैं ना निपुण फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी जो इंस्ट्रक्ट कर सकती है कैसे फ्लाइट चलाते हैं कैसे नहीं। तो ये चैप्टर में अभी तक मैंने आपको इतना ही पढ़ाया है, बाकी का चैप्टर मैं आपको कल रीड करवाऊँगी। थैंक्स, डेट्स ऑल।